गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और एक सवाल मेरे से दो तीन लोगों ने पूछा है, तो मुझे लगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने पूछा कि गाड़ी 2021 एंड में लें या गाड़ी 2022 के स्टार्टिंग में लें। वैसे मोस्टली ऐसा क्वेश्चन पूछने के पीछे मुझे सिर्फ दो तीन रीजन ही लगते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन है डिस्काउंट, कि डिस्काउंट हमें दिसंबर में मिलेगा या अगले साल जनवरी फरवरी मार्च के आसपास मिलेगा। तो इस बारे में डिटेल से बात करूंगा। एक क्वेश्चन और इसके पीछे हो सकता है जो मुझे लगता है, मेरे मन में भी ऐसा सवाल था जब मैंने गाड़ी ली, वो कंसर्न ये हो सकता है कि दिसंबर 2021 में मान लो हम गाड़ी लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जो होगा, आरसी जो होगी, उस पे मेंशन तो वही होगा दिसंबर का मंथ, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा 2021 का साल या 2022 का साल। तो ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि दिसंबर 2021 मेंशन हो या मान के चलो जनवरी 2022 मेंशन हो, कुछ खास फर्क उससे नहीं पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मान लो आप दिसंबर 2021 में खरीदते हो तो आपकी गाड़ी एक साल पुरानी हो जाएगी। अगर आप आफ्टर सेल में जाओगे या गाड़ी को रीसेल करोगे तो भी ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई आदमी ये देखेगा कि अगर मान लो दिसंबर 2021 की खरीदी हुई है तो उसकी फिर एक्सपायरी डेट भी तो फिर दिसंबर में ही होगी ना, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने गाड़ी खरीदी तो मैंने 28 दिसंबर को बुक करवाई थी और मुझे डिलीवरी मिली थी 2 जनवरी को, तो मेरी आरसी में 2 जनवरी ही मेंशन है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि दिसंबर में बुक करवा ली, जनवरी में डिलीवरी ले लो, नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप दिसंबर में लो, डिलीवरी लो और आरसी पे दिसंबर मेंशन करवा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साल का फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ महीने का फर्क पड़ता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जो सवाल पूछने का मेन रीजन मुझे समझ में आता है वो आता है डिस्काउंट। जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मुझे ऑलमोस्ट 60,000 से 65,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। उस टाइम बेस मॉडल टियागो की एक्स शोरूम प्राइस थी 4,40,000 रुपए, लेकिन ये गाड़ी मुझे 4,35,000 रुपए में ऑन रोड पड़ गई थी। तो टोटल मिला के 60,000 से 65,000 रुपए का डिस्काउंट मेरे को लगभग मिल गया था। लेकिन देखो आज के टाइम पे सिचुएशन अलग है, उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग थी। एक तो फर्क ये है कि उस टाइम पे ये BS4 का लास्ट स्लॉट था, इसके बाद यानी मार्च से मान के चलो, दिसंबर में मैंने खरीदी, जनवरी में मुझे डिलीवरी मिली, जनवरी फरवरी में बहुत कम गाड़ियां सेल हुई, जो कि ऑलमोस्ट पहले से सेल हो चुकी थी उनकी डिलीवरी हो रही थी। जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरा मन था टॉप मॉडल खरीदने का, XZ+। लेकिन XZ+ यू विल नॉट बिलीव, मुझे 3-4 जगह मैंने पता किया, कहीं पे भी नहीं मिला। एक जगह पर सिर्फ विज मिल रही थी, एक जगह पर XZ मॉडल मिल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि बेस मॉडल ही ले लेते हैं। तो एक बात ये है कि BS6 उस टाइम आनी थी, तो ये लास्ट स्लॉट था, और उस टाइम पे फिर भी ईयर एंड में आपको डिस्काउंट मिल जाते थे। लेकिन कोविड के बाद से सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। जब कोविड आया तो सबको ये लगा कि अब तो गाड़ियों की कीमत डाउन आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। ये किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा इस टॉपिक पे, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि डिस्काउंट तो आप छोड़ो, ऑलमोस्ट गाड़ियां, ऑलमोस्ट जो आपको थोड़ी सी ठीक ठाक सेल में मिलेंगी, उन पे आपको 2-3 महीने से लेके 1-1 साल तक वेटिंग मिल रही है। तो डिस्काउंट को तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आप दिसंबर में खरीदोगे या जनवरी फरवरी मार्च में खरीदोगे तो आपको कब डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। और एक भाई साहब ने तो गजब ही सवाल पूछा कि मैंने पंच देखी और वो मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहे। मैं कह यार पंच पे आप डिस्काउंट नहीं, आप उनसे ये बात करो कि मुझे डिलीवरी कितनी जल्दी मिल जाएगी। तो आजकल अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जाते हो कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन गाड़ियों की सेल ठीक ठाक है उन पे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप सिर्फ जाके ये पूछो कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी कब दे सकते हो, क्योंकि कोविड के बाद से मैंने बताया सिचुएशन कुछ अलग है।
इस टॉपिक पे किसी और वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आप ये देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको 2-4-6 महीने अभी गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ये सोच के गाड़ी बिल्कुल मत खरीदो कि दिसंबर है, ईयर एंड है, मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको गाड़ी की अभी जरूरत है तो आप 2-4-6 महीने ये सोच के मत रुको कि अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में मैं गाड़ी लूंगा, जनवरी में मैं गाड़ी लूंगा तो मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी 2021 की मैन्युफैक्चरिंग होगी, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी जरूरत अभी है अभी गाड़ी ले लो, अगर आपकी जरूरत 2-4-6 महीने बाद है तो 2-4-6 महीने बाद गाड़ी ले लो, ना उससे कोई प्राइस पे फर्क पड़ेगा क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है, और ना ही आपको आरसी में कोई फर्क पड़ेगा, जैसे भी आप लोगे वैसे ही आरसी पे मेंशन होएगा और उससे कभी कोई फर्क नहीं आएगा। ईयर का फर्क कभी नहीं आता, सिर्फ मंथ का फर्क आता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज का आपको पता लगता रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।